उत्तर प्रदेश कोरोना की काली साए से तेजी से पूरी तरह से मुक्ति की ओर अग्रसर है। ऐसे में 600 से कम मानक वाले जिन जिलों को कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल रही है, वहां के लोगों की जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस इनोवेटिव मॉडल के नाते स्थानीय जिला प्रशासन में खुद को छूट वाले मानक में लाने के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा मची है। लोग भी कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कर इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। नतीजतन रोज कोई ना कोई जिला छूट वाले मानक में शामिल हो रहा है। इस क्रम में झांसी भी आज कोरोना कर्फ्यू की छूट में शामिल हो गया है। इस तरह अब ऐसे जिलों की संख्या 64 हो गई है। कोरोना के बाकी मोर्चों से भी लगातार अच्छी खबर आ रही है। रिकवरी रेट सुधरकर 97.4% तक पहुंच गई। कल यह 97.1% थी। सक्रिय केसेस की संख्या में पीक से 91.8% कमी आ चुकी है। 30 अप्रैल को सक्रिय केसेस की संख्या रिकॉर्ड 3,10,000 के करीब थी। आज यह घटकर 25,546 तक सिमट गई। इसी तरह 24 घंटे में आने वाले संक्रमण के नए केस की संख्या घटकर 1,268 पर आ गई। 24 अप्रैल को यह संख्या सर्वाधिक 38,055 थी। इस तरह पीक से इसमें से भी करीब 90% की कमी आ चुकी है। पिछले कई दिनों की तरह नए संक्रमण की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक 4,260 रही। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में 35 जिलों में एक भी मौत नहीं हुई। इस दौरान 19 जिलों में एक एक, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और जालौन में 4-4 मौतें हुई हैं। 3 जिलों में 3-3 मौतें, 7 में 2-2 मौतें हुई। कानपुर नगर में सर्वाधिक 10, गोरखपुर में 9, अमरोहा में 8, प्रयागराज में 7, लखनऊ, मेरठ और झांसी में 6-6 लोगों की मौत हुई। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट को मूल मंत्र मानकर कम समय और कम संसाधनों में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के बावजूद सरकार सतर्क है। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि स्थानीय प्रशासन कोरोना कर्फ्यू के नियमों का कड़ाई से पालन कराए। रात्रिकालीन बंदी को प्रभावी बनाने के लिए शाम 6 बजे से पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करें। कहीं भी भीड़ की स्थिति ना बने। छूट के तय समय में बाहर निकलने वालों से अनिवार्य रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। लोगों को इस बाबत जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय और संवेदनशील बने। फुट पेट्रोलिंग, चेकिंग बढ़ाने की जरूरत है और जहां जरूरत हो कार्रवाई भी करें।